अमीर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो या फिर आपका बिजनेस हमेशा मुनाफे में हो। कम सैलरी और थोड़ी बचत के ज़रिए भी अमीर बना जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही जगह और सही समय पर पैसा लगाएं। हालांकि ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो सही फाइनेंशियल प्लानिंग का रास्ता चूज़ कर पाते हैं। इसलिए नए साल में अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपका पैसा कहां और किस जगह पर लग रहा है। आज हम आपको ऐसे ही 7 ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट कर आप 2020 में अमीर बन सकते हैं। देश के बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि खून पसीने की कमाई को इन्वेस्ट करने से पहले हर महीने आपकी आवश्यकताओं, उम्र, सैलरी, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के प्लान को ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप हर महीने 3200 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस राशि पर आपको 10% की दर से रिटर्न मिलता है तो आपके पैसे 30 साल में 72 लाख हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बचत की राशि और सैलरी अकाउंट को अलग अलग रखें। उस पैसे को अलग अलग जगह निवेश करें। पोस्ट ऑफिस और बैंकों की विभिन्न सेविंग स्कीम इसका सबसे आसान और सेफ ऑप्शन है। इसके साथ ही शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, PPF, इंश्योरेंस और LIC के जरिए भी आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा दौर में दौलतमंद बनने के लिए म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड के अलावा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम निवेश का बेहतर ऑप्शन है। यहाँ इन्वेस्ट करने से मंथली कमाई का अच्छा मौका मिलता है। इसमें रिटर्न की भी गारंटी होती है और जहाँ तक ब्याज की बात है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप पेंशन स्कीम में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगाने से रिटायरमेंट फंड जोड़ने में आसानी होगी। इन्वेस्ट करने के लिए PPF भी अच्छा ऑप्शन है। PPF अकाउंट आप बैंक या डाकघर जाके खोल सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है और यह अकाउंट 500 रुपए में खोला जा सकता है। अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 5% आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और कई बदलावों की वजह से 2019 में सोने की कीमतें 22% तक चढ़ी हैं। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सोने की कीमतें बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। तो 2020 में कहां आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आप हमारे डिजिटल प्राइम टाइम पे रात को 9 बजे पढ़ सकते हैं।